हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सा लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजन से परचेज़ किया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिला है और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है। रियली में गाइस, जो मुझे काजल रिसीव हुआ है ना, वो आप पर काजल जो है वो मुझे 7.50 समथिंग मुझे पड़ा था, मतलब 7 रुपये कुछ पैसे ही मुझे पड़े थे। एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा काजल है, बट ये है कि वो वाटरप्रूफ नहीं है, स्मच प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका जो कलर है ना, जेट ब्लैक कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको बताने वाली हूँ कि अमेज़ॉन का बिग बिलियन फेस्टिवल महा सेल स्टार्ट होने वाला है 23 सितंबर से, एंड यहाँ पे आपको ना कार्ड पे बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। सो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सारे जो भी आपको चीज़ें लेनी है उसको लिस्ट बना लीजिए, एंड जब भी आपका ये सेल जो है स्टार्ट हो जाए, आप जो है फटाफट वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। एंड जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप लिया है ना, उनको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप लोग चेकआउट करते रहिएगा 22 तारीख के रात के 12 बजे के बाद ही जो है शायद ये सेल स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोग फटाफट इस नवरात्रि में बहुत सारा शॉपिंग करिएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ वो है ये हुडा ब्यूटी का। ये हुडा कलर है एंड इसमें है 4 कलर ब्लशर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें 4 कलर के हैं एंड इसमें जो है ना, आपको इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है। एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है गाइस ये वाला। इसमें आपको 4 शेड मिल रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी हम लोग को ऐसा होता है कि डे टाइम में डार्क ब्लशर उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें लाइट कलर का भी दिया गया है। तो इस तरीके से है ये, बिल्कुल लाइट कलर का है ये। आप डे टाइम, ये दोनों आप डे टाइम में लगाएंगे ना, बहुत ही अच्छा खिल के आएगा। एंड ये जो डार्क वाला शेड है वो आप नाइट में भी लगा लेंगे तो भी चल जाएगा। एंड इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही अच्छा है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, जगह ही नहीं मिल रही दिखाने के लिए। इस तरीके का है, बहुत ही लाइट शेड है, फेस पे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं दूसरा पिंक आपको, थोड़ा सा इससे डार्क पिंक है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है ना। आपको ब्रश भी मिलेगा, एक छोटू सा ब्रश मिलेगा, लेकिन वो ब्रश मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम का आएगा। उससे इतना अच्छे से तो ब्लेंड नहीं हो रहा था चिक पे, क्योंकि इसका जो ब्रश है ना वो थोड़ी चौड़ाई में दिया हुआ है, तो ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। इसको, इस ब्रश को आप ना हाईलाइटर के लिए यूज कर सकते हैं ऐसा ऐसा करके, एंड कंटूरिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्लश के लिए आप इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ना, मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है। ब्लू हेवन का मस्कारा गाइस, इसका भी जो प्राइस है ना, बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसको यूज किया, इसके बाद मुझे इसका रिजल्ट ना बहुत ही अच्छा मिला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी ब्रशेज कुछ इस तरीके से हैं और लगाने के बाद तो ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। लेकिन ये वाटरप्रूफ लिखा तो है, बट मुझे ये वाटरप्रूफ लग नहीं रहा था, क्योंकि लगाने के बाद जब मैंने अपने फेस को वॉश किया ना, तो ये थोड़ा बहुत तो छूट रहा था। इतना भी ज़्यादा वाटरप्रूफ नहीं है, जैसे एक कोट अप्लाई किया एंड आप मेरे आई लैशेज को देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो ब्लू हेवन का मस्कारा कुछ इस तरीके से है, जो कि प्राइस वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मुझे थर्ड प्रोडक्ट है ना, वो है ये काजल। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो काजल है ना ब्लू हेवन का, ये मुझे एक काजल जो मिला है वो मुझे 8 रुपये के आसपास का मुझे पड़ा है। एंड आपको जो मैं दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट, उसमें आपको जो है 12 पीस काजल मिलेंगे एंड उसकी जो प्राइस है ना वो 94 रुपीज़ है। सो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर काजल हमें कितने का पड़ा। एंड रियली में गाइस, इसका जो कलर है ना काफ़ी ज़्यादा जेट ब्लैक डार्क बिल्कुल कलर है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फर्स्ट कोट, मतलब आप जस्ट इसको अप्लाई करेंगे एक ही बार में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लैक, एकदम डार्क जेट ब्लैक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फेस पे लगाने के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आँखों में लगाने के बाद। मैं आपको इसको ना लगा के भी दिखाती हूँ। तो
मैंने इस काजल को अपने आँखों में अप्लाई किया एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली मैं जब काजल लगाती हूँ ना अपनी आँखों में तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा ये आंसू आ जाता है, इसलिए मैं जल्दी काजल नहीं लगाती हूँ। इसको लगाते हैं यहाँ की साइड पे आउटर लाइन पे तो ये थोड़ा सा मतलब फैल जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर एंड देन आपको उसको ब्रश की हेल्प से उस पर सेट कर देना है, तो जो आपका काजल है ना वो फैलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। वो है ये मिलाप का आईलाइनर जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड रियली में गाइज इतने कम प्राइस में ना ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आपको इसका भी स्वच दिखाती हूँ, ये भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा है ये वाला आईलाइनर। ये आईलाइनर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैंने इसको यूज किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो मिलाप का जो आईलाइनर है ना वो ड्राई हो गया है एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही स्मच प्रूफ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी से ये ड्राई हो गया, इतना ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया। सो मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो एंड मैंने जितने ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाए वो आपको अच्छे लगे हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सारे में से कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे एंड अगर अच्छा लगा तो ना इस वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।